हेलो फ्रेंड्स, आज हम सांभर बनाएंगे। सांभर बनाने के लिए देखिए, सब्जी ले लिए हैं, ये कद्दू ले लिए, लौकी, बैंगन बारीक काट लेंगे, ज़्यादा छोटा छोटा नहीं काटेंगे, बड़ा बड़ा पीस, थोड़ा ज़्यादा, ना ही ज़्यादा बड़ा रखेंगे ना ही ज़्यादा छोटा। इसको हम साइड में कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले बैंगन को काट लेंगे। इसी तरह से सारा पीस हम बड़ा बड़ा काट के रख लेंगे, साइड में रखते जाएंगे इसको। कद्दू को पहले से काट लिए थे तो इसको भी रख लेते, और भिंडी को भी काट लेंगे। सांभर में इतना बड़ा बड़ा ही भिंडी हम डालेंगे, नहीं तो गल जाएगा। इसी तरह से हम सारा सब्जी काट के तैयार कर लेते। तो देखिए, सारा सब्जी काट लिए। थोड़ा मेरे पास मूली था तो मूली को भी काट लिए, और हाफ प्याज को भी काट के रख लिए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अरहर का दाल ले लिए हैं, लगभग 2 चम्मच है। इसको हम धो लेंगे, 2-3 पानी से धो लेंगे इसको अच्छे से। गैस के ऊपर कुकर रख दिए, अब उसमें दाल डाल देंगे, पानी डाल देंगे। इस तरह से बनाइएगा, बहुत कम समय में भी बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो हम नमक डाल रहे हैं, हल्दी डाल दिए, नमक डाल दिए, अब थोड़ा सा तेल डालेंगे, ढक्कन लगा देते हैं। 4 सीटी आ चुका है तो इसको हम साइड में रख देंगे, और इसके ऊपर कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। इसमें तेल डाल देंगे, तेल मेरा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे सरसों। 1 बड़ा चम्मच सरसों डाल दिए, और 2 सूखी मिर्च डालेंगे, ये 3 सूखी मिर्च डाल देंगे, तथा हींग डालेंगे हम। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सांभर में, आप एक बार जरूर डालें। और ये फ्रेश वाला करी पत्ता है, इसको भी डाल देंगे। बड़ा साइज का प्याज हम काट के रखे हैं, इसको डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है सांभर। सांभर आप सांभर चावल भी खा सकते हैं, डोसा के साथ तो ये अच्छा लगता है, चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और प्याज का कलर हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, बस इसी तरह रखेंगे। और इसमें हम जो सब्जियां काट के रखे थे उसको डालेंगे। हम गाजर आपको दिखाना भूल गए थे, सबसे पहले हम गाजर डालेंगे, मूली भी डालेंगे। इसी तरह से सारा सब्जियाँ जो काट के रखे थे इसमें डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी हम बॉईल नहीं किया है, कच्चा है, इसको थोड़ा पकाना है, इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसको ढक देंगे। इसमें हम अभी टमाटर नहीं डालें, थोड़ा सब्जियां सॉफ्ट हो जाएगी तो हम टमाटर भी डालेंगे। इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से ढक के पका लेंगे। ढक्कन हटा के देख लेंगे, इसको बीच बीच में हमको चलाते रहना है। ढक देंगे फिर से, ऊपर इसको फिर से चला देंगे। देखिए, पहले से सब्जियां सॉफ्ट हो चुकी है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज का टमाटर था मेरा, उसको काट के मोटा मोटा मैं डाल दिए, इसलिए क्योंकि अभी और सब्जियां भूनना है तो अच्छे से टमाटर गल जाएगा। मिक्स कर लिए, अब इसको फिर 2 मिनट के लिए ढक के भून लेंगे। ऐसा करने से सब्जियां जल्दी पक जाएगी और बहुत टेस्ट आएगा सांभर में। ढक्कन हटा के देख लेंगे, इसको चला लेते हैं। इससे ज़्यादा अब नहीं ढकेंगे, बिना ढके पकाना है इसको। और फिर मसाला डालेंगे हम, हल्दी पाउडर डाल देंगे, और हम कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा सांभर में। और इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा से सब्जी मेरा पक चुका है, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम,
थोड़ा सा पानी डाले हैं और सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे पानी। अब कुछ इसे 5 मिनट के लिए पकने छोड़ देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हम दाल में भी डाले हैं, तो उसी हिसाब से हम डालेंगे। इसको 5 मिनट के लिए पकने छोड़ देते हैं। तब इसमें हम 2 चम्मच भर के सांभर मसाला डालेंगे। और इसको मिक्स कर लेते हैं। देखिए सब्जी कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है। 2 मिनट के लिए इसको और पकने छोड़ देंगे। तो देखिए सब्जी कितना अच्छा पक चुका है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब जो हम दाल बना के रखे थे उसको डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो इसमें हम पानी डालेंगे। लगभग आधा गिलास पानी डाले हैं हम। के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इसको ढक के छोड़ देंगे, सब्जियां और अच्छे से पक जाएगा। तो देखिए सांभर में कितना अच्छे से बॉईल आ चुका है और सब सब्जियां पक भी चुकी है अच्छे से, सारी सब्जियां पक गई है। इसको आपके पास दाल मैसर जो आता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं पोटैटो मैशर से थोड़ा थोड़ा सब्जियां मैश करूंगी। गैस का फ्लेम अभी लो कर देंगे, थोड़ा थोड़ा मैश करेंगे, थोड़ा खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बच्चे इसे खाना पसंद नहीं करते हैं सारी सब्जियां, तो इसमें मैश कर देने से पता नहीं चल लगेगा और अच्छे से खा भी लेगा। देखिए कितना अच्छे से मैश हो कर दिए। इसको ज़्यादा नहीं करना था, बस थोड़ा सा करना था। देखिए कितना अच्छा सांभर लग रहा है देखने में। तो इमली हम नहीं डाले तो खटाई के लिए हम नींबू का जूस डालेंगे। लास्ट में इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि नींबू का जूस डालने से, नींबू का जूस डाल के इसको पकाने का नहीं रहता है, नहीं तो कड़वा टेस्ट आएगा। तब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसको हम सर्व कर लेते हैं, हम सर्व कर लेंगे इसको सर्विंग बाउल में। देखिए कितना अच्छा सांभर बन चुका है और सारी सब्जियां भी पता चल रही है। कुकर में डालने से थोड़ा मैश अच्छे से हो जाता है क्योंकि उसमें सारी सब्जियां गल जाती है। तो देखिए सांभर को निकालिए, कितना अच्छा सांभर बन के तैयार है। सांभर की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।